हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था त्रिविमीय निबिड संकुलन, जिसके अंदर हमने पहली चीज ये पढ़ ली थी कि द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन से त्रिविमीय निबिड संकुलन किस तरीके से बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ लिया था। तो त्रिविमीय के अंदर घनीय निबिड संकुलन बनता है। आज उससे आगे अपने पढ़ते हैं त्रिविमीय निबिड संकुलन। और त्रिविमीय निबिड संकुलन को पढ़ने से पहले हमने स्टडी किया था रिक्तियाँ। अब रिक्तियों के अंदर क्या है, ये जो रिक्तियाँ थी वो दो प्रकार की थी। पहला जो प्रकार था वो था चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, ठीक है। और दूसरा था अष्टफलकीय रिक्तियाँ। ये दो प्रकार की रिक्तियाँ थी। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ, इन दोनों रिक्तियों को हमने पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, यानी उसको ढकेंगे अपने या उसको कवर करेंगे। कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये अपने पास टॉपिक रहेगा। और इसी तरीके से अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। उसको पढ़ने से पहले पहले आप एक दोबारा से एक छोटी सी चीज़ देखो कि हमने चतुष्फलकीय रिक्तियां कैसे बनाई थी। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों को हमने बनाया था षटकोणीय द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन से, जिसके अंदर जो चतुष्फलकीय रिक्ति बनी थी अपने पास वो इस तरीके से बनी थी। ये बन गई चतुष्फलकीय रिक्ति। अब अपने इसको कवर करेंगे। कवर करेंगे तो एक सफियर या एक गोले को इसके ऊपर रखेंगे और एक गोले को इसके नीचे रखेंगे। जैसे ऊपर वाला जो यहाँ पर गोला आना चाहिए उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। देखिए दोबारा से बनाता हूँ मैं डायग्राम को। गौर करना इस बात पर कि चतुष्फलकीय रिक्तियों के अंदर हमने ये चीज़ बनाई थी। अब इसको अपने को ढकना है नीचे से भी और ऊपर से भी। ऊपर से ढकेंगे उस वाले गोले को, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से। ये ऊपर से ढक गया। अब ये किस तरीके से व्यवस्थित थी, ये एक लेयर होगी इसकी। अब दूसरी लेयर हमने क्या बनाई थी इसके ऊपर, कि दूसरी परत के गोले प्रथम परत के खांचों में आ जाए, इस तरीके से था। इसी तरीके से ये वाला गोला, ये जो बीच वाला गोला है ये इसके ऊपर कवर है। इसी तरीके से अपने को नीचे की साइड और कवर करना है। तो नीचे वाले गोले को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये नीचे वाला गोला हो गया। अब इसमें जो अरेंजमेंट है गोलों की वो क्या है, इस तरीके की है, ठीक है। इस तरीके की अरेंजमेंट है, ठीक। अब अपने को जब चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करते हैं तो किस तरीके की संरचना बनती है, उस चीज़ पर गौर करना। ये जो ऊपर वाले गोले हैं इनको आपस में केंद्र बिंदु को मिला दो, इनके केंद्र बिंदु को आपस में मिला दो इस तरीके से सभी को, तो अपने पास ये स्ट्रक्चर बन गई। अब करते क्या है कि इन दोनों लेयरों को आपस में मिला देते हैं, थर्ड और फर्स्ट को। इसको मिलाएंगे अपने यहाँ पर, ऊपर वाले जो लेयर है उसको यहाँ पे, इस तरीके से। ये बीच में कहीं संपर्क कर जाए, इस पर अपने को कोई लेना देना नहीं है। एक बार आप इतनी चीज़ को समझो, ये अपने पास जो संरचना बन गई उसका नाम है षटकोणीय निबिड संकुलन। षटकोणीय निबिड संकुलन, और षटकोणीय निबिड संकुलन बन गया अपने पास। ये कौन से विमा के अंदर प्रेजेंट है, ये तीनों विमाओं के अंदर है, तो हम बोल देंगे त्रिविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब अपने चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करते हैं तो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है अपने पास, त्रिविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन। देखिए इसको अलग से अगर अपने बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, इस तरीके से बनाएंगे।
इस तरीके से बनाएंगे। ये इस वाली लेयर को यहाँ पे इस तरीके से बनाते, ठीक है। षटकोणीय है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हमने इसको शॉर्ट में बोल दिया HCP, ठीक है। और HCP को हमने बनाया कैसे, कैसे बनाया है, हमारे पास क्या था, द्विविमीय, द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन से त्रिविमीय घनीय, सॉरी त्रिविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन बनाना। तो ये हमने कैसे बनाया है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन से त्रिविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन बनाया है, जो इस तरीके से बनेगा। और ये बीच वाले जो तीनों सफीर है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर दें, ये इस तरीके से हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए इसमें जो अवयवी कण है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कोने पर, छह कोने पर होगी, छह नीचे होगी। तो इसको व्यवस्था को हम इस तरीके से दिखा दें, ठीक है। छह ऊपर होगे गोले और ये छह ही गोले नीचे होगे, जिसको हमने इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। केंद्र के जो गोले हैं उसको भी आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। बंच गया कौन, इधर ये फलक पर बंच गया बीच वाला, और इधर ये फलक वाला बंच गया बीच वाला, तो उसको आप इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है। सेम डिटो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी, बीच वाला जो सफीर है वो यहाँ पे इस तरीके से, और एक यहाँ पे इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर अपने पास बनती है और इसका नाम हो गया HCP। अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपने कि HCP के अंदर कुल अवयवी कण कितने होंगे, HCP में कुल अवयवी कण, अवयवी कण कितने होंगे। देखिए ये अपने पास एक षटकोणीय संरचना है, ये षटकोणीय संरचना है, इसके कोने पर अगर कोई भी एक परमाणु होगा तो वो एक इकाई कोष्ठिका के अंदर उसका जो पार्ट होगा वो 1/6 होगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास ये एक षटकोणीय स्ट्रक्चर है इस तरीके की, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये अवयवी कण कितने भागों में बट गया, तीन, तीन ये हो गए और तीन इसके ऊपर वाले हो गए, यानी एक इकाई कोष्ठिका में पार्ट कितना आया, 1/6। अब एक चीज और देखिए, 1/6 है और कोणों की संख्या कितनी है, छह ऊपर हो गए और छह ही कहाँ पे हो गए, नीचे आ गए, तो × 12, ठीक है। और प्लस में ये फलक पर है और ये भी फलक पर, और फलक पर जो पार्ट होता है वो होता है 1/2, और कितने फलकों पे, दो पर, × 2। और प्लस में ये जो तीनों है अवयवी कण, ये तीनों केंद्र के अंदर उपस्थित है, जो किसी भी फलक, किसी भी कोने और किसी भी किनारे के साथ संपर्क में नहीं है, तो प्लस में हम क्या कर देंगे, तीन, ये हो गए दो, ये कट गया, तो टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई, छह। और इसकी जो समन्वय संख्या है, ये समन्वय संख्या होगी 12, ठीक है। इस चीज को याद रखना, आप 3D के अंदर इस चीज को मेजर कर सकते हो, 2D के अंदर दिखाई नहीं देगी। तो हम ने क्या कुछ पढ़ा है इसके अंदर, जब अपने रिक्तियां पढ़ी है दो प्रकार की, एक चतुष्फलकीय एक अष्टफलकीय, जिसके अंदर हमने पहले चतुष्फलकीय रिक्तियां, अब अपने त्रिविमीय निबिड संकुलन बनाएंगे, तो वो चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे, और आच्छादन करेंगे तो त्रिविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन बनता है। और बनता किस प्रकार से है, जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन से त्रिविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन बनाते हैं, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होती है, और ये HCP संरचना होगी, जिसको एग्जैक्ट बनाना सीख लेना है। इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या 6 होगी और समन्वय संख्या 12 होगी। अब देखो अपने पास जो नेक्स्ट है वो टॉपिक है अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तो अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन हम किस प्रकार से करेंगे,
ध्यान से समझना, अष्टफलकीय रिक्तियां हमने कैसे बनाई थी। अष्टफलकीय रिक्तियां हमने बनाई थी कि भी ये अपने पास कोई स्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर ये स्फीयर, एक त्रिभुज जिसका सिर नीचे की ओर है, और दूसरा हमने त्रिभुज बनाया था जिसका सिर कहाँ पे था, ऊपर की ओर था, इस तरीके से व्यवस्थित था। अब ऐसी अरेंजमेंट है वो लॉन्ग टाइम तक होती है, तो इसको हम इस तरीके से बना दें, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गई, और सेम डिटो अपने यहाँ भी इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। अब अष्टफलकीय रिक्तियाँ एक तो ये थी और एक ये थी, इनको इसके ऊपर रखेंगे तो बन जाएगी। इसी तरीके से इस वाले को उठा के पूरा का पूरा अगर इसके ऊपर रखेंगे तो अष्टफलकीय रिक्ति बन जाएगी। इस अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन करना है, इसका करेंगे तो इसके ऊपर एक स्फीयर यहाँ पे रख देंगे, और इस वाले का नीचे से कवर करेंगे तो एक स्फीयर यहाँ पे रख देंगे। अब इनको मिला के देखते हैं अपने कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी। ध्यान से देखना किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जरा कि ये अरेंजमेंट अपने को प्राप्त हुई। अब इस वाले गोले को आप यहाँ पे मिलाओगे और यहाँ पे मिलाओगे, कैसे, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले स्फीयर को इस वाले स्फीयर के साथ इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अब ये जो स्फीयर है इसको मिलाएंगे अपने इसके साथ और इसके साथ, देखिए इस तरीके से, ठीक है, और इस वाले स्फीयर को यहाँ पे मिला देंगे और इन सभी को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर बन गई, इस स्ट्रक्चर का नाम है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये अपने पास स्ट्रक्चर बन गई। इस स्ट्रक्चर को अलग से अगर अपने बना के देखें तो अपने पास ये स्ट्रक्चर बनी है, ये पतंग के समान संरचना अपने को प्राप्त हुई है इस तरीके से, ठीक है। इन सभी को अपने ऐसे मिला देंगे, ठीक है। जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों की व्यवस्था देखो कहाँ पे है, प्रत्येक कोने के ऊपर प्रेजेंट है, प्रत्येक कोने पर उपस्थित है, इस तरीके से ये प्रत्येक कोने पर हो गया। अब देखो इसका केंद्र मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिला क्या, नहीं ना, तो ये कहाँ पे उपस्थित है, ये फलक पर है, इस वाले पर। इसी तरीके से ये वाला इस वाले फलक पे, ये वाला इस वाले फलक पे, ये वाला इस वाले फलक पे, ये रह गया ये पिछले वाले फलक पर, ये जो स्फीयर है वो सामने वाले फलक पर है। तो इस तरीके से अपने पास प्रत्येक फलक पर एक अवयवी कण प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया, यहाँ पर डायग्राम बनाओगे और डायग्राम के नीचे लिख देना चित्र त्रिविमीय, या आप लिख लेना CCP स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें आपको कुल अवयवी कण निकालने हैं, तो कुल अवयवी कण कितने होंगे, कुल अवयवी कण, और इस इन कुल अवयवी कणों को अगर आपने देखें तो देखिए इसमें कोणे पर प्रेजेंट है, और प्रत्येक कोणे पर प्रेजेंट है तो 1/8, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। यहाँ पे कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर आपने ये 1/6 किया है, 6 इसलिए किया है बेटा क्योंकि ये षटकोणीय संरचना है जिसको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको, जबकि ये एक घनीय संरचना है जिसके अंदर पार्ट 1/8 जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 8 और प्लस में प्रत्येक फलक पर है तो 1/2 × 6, यानी यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या कुल कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। और इसकी जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या वो होगी 12, जिसको अपने 3D के अंदर मेजर कर पाते हैं। तो रिजल्ट अपने पास क्या निकलता है कि जब अपने चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करते हैं तो HCP संरचना मिलती है, और अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करते हैं तो CCP संरचना मिलती है जिसमें अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। तो इस तरीके से अपने पास ये निविड़ संकुलन है वो कंप्लीट हो गया है। इसको ध्यान से समझना और बनाना, ठीक है। और ये द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से हमने त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन बनाया था, इसी तरीके से ये अपने पास CCP संरचना प्राप्त हुई है, ये भी षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से प्राप्त हुई है। अब देखो इसमें क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से आते हैं उसको मैं बाद में बताता हूँ आपको।
पहले अपने दो चार बातें और है जिसको अपने पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है इकाई कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप, इकाई कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना। इकाई कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना। इकाई कोष्टिका का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे अपने, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत आसान सी चीज है। अब देखिए, इकाई कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना है तो उसका मैं पहले फॉर्मूला बताता हूं। D इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए की क्यूब इंटू एन ए। क्या होता है, क्या कुछ होता है उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप एक चीज समझो। जैसे मैंने ये एक इकाई कोष्टिका बना दी, ठीक है। अब इस इकाई कोष्टिका के अंदर मैंने ये अवयवी कण भी बना दिए। जो कहां पे बना दिए, ये कोनों पर बना दिए। अब ध्यान से समझना इस बात को कि मान लीजिए ये परमाणु है वो किसके हैं, कॉपर के। अब ये जो 8 परमाणु कॉपर के कोने पर व्यवस्थित है, तो मैंने आपको पूछा है केवल इकाई कोष्टिका का घनत्व बताओ, तो इसका 1/8 भाग ही इस इकाई कोष्टिका के अंदर आता है। तो इस इकाई कोष्टिका का जो घनत्व ज्ञात करेंगे वो 1/8 यानी कुल परमाणुओं की संख्या से करेंगे इंटू 8, यानी इसके अंदर कॉपर का केवल और केवल कितना पार्ट आया, एक पार्ट आया, एक परमाणु है कॉपर का। कैसे, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8। तो जो कॉपर का द्रव्यमान है उसका 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, घनत्व इस तरीके से अपने कैलकुलेट करते हैं, यानी इसके अंदर एक ही परमाणु है, ठीक है। तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। देखिए कैसे, कि सबसे पहले D क्या होता है, D होता है घनत्व है, और घनत्व ही हमें निकालना है। दूसरा N क्या है, इकाई कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, यानी मैं एक ही शब्द लिख देता हूं, अवयवी कणों की संख्या किसके अंदर, इकाई कोष्टिका के अंदर, यूनिट सेल के अंदर। M क्या होता है, जिस परमाणु की अणु की आयन की बनी है उसका मोलर द्रव्यमान, हम यहां पे क्या लेंगे, उसका मोलर द्रव्यमान लेंगे। और Na ये क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या होती है, ठीक है, अवोगाद्रो संख्या। और अपने पास क्या बच गया, लास्ट A बच गया। A क्या होता है, घन की भुजा, यानी इकाई कोष्टिका है वो घन के समान है, या कोई भी अपने पास हो, जरूरी नहीं है घन हो, या फिर हम बोल सकते हैं कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई, ठीक है, इस तरीके से आपने। अब क्वेश्चन के अंदर आपको 3 या 4 चीजें दी हुई होगी जिसके अंदर 5वीं निकालनी है, आप आसानी से कर सकते हो। ध्यान इस बात का रखना है बेटा कि अगर आपको मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान अगर आपको ग्राम पर मोल में दिया है, में दिया हो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इन बातों को फॉलो करना। तो जो मोलर द्रव्यमान है वो ग्राम पर मोल में दिया है, तो हम किनारे की लंबाई यानी ए को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, ये बात ध्यान रखना। और यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि अपने पास जो मोलर द्रव्यमान है वो किलोग्राम पर मोल में दिया है, ठीक है ना, तो ए को हम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, किस में लेंगे, मीटर में, ठीक है, ये दो बातें होगी। अब तीसरी चीज, अपने पास अगर मोलर द्रव्यमान और ए
मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल और ए सेंटीमीटर में हो तो डी का मान कितना होगा। यदि एम बराबर मैं बोल देता हूं मोल पर ग्राम, ठीक है, और जो ए है ए सेंटीमीटर में हो तो घनत्व किसके अंदर आएगा, डी किसके अंदर आएगा, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 आएगा। ठीक है, ये कुछ एक बातें जो आपको याद रखनी, या फिर आप इनको लिख के कांटसांट करोगे तो लास्ट में ये रिजल्ट आ जाएगा, इकाइयां समान रहनी चाहिए। इसी तरीके से यदि मोलर द्रव्यमान मोल पर केजी और जो ए है वो किस में हो, मीटर में हो, तो डी किस में आएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 में आएगा। ठीक है, उसका रिजल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर एक चीज और कि अक्सर जो घन की भुजा है, कोर की लंबाई है या किनारे की लंबाई है, ये आपको दिए हुए होते हैं पिकोमीटर में। ये पिकोमीटर में दी हो तो आप उसको सेंटीमीटर या मीटर में बदल सकते हो। एक पिकोमीटर में 10^-12 मीटर और 10^-10 सेंटीमीटर होते हैं। ये आप एग्जैक्ट याद रखना इन चीज़ों को, जो पीछे भी पढ़ाई है मैंने। एक आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर हो तो 10^-10 मीटर और 10^-8 सेंटीमीटर के अंदर आएगी। और इसी तरीके से अगर एक नैनोमीटर दिया है तो 10^-9 तो मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में रखोगे तो 10^-7 सेंटीमीटर। मेरे कहने का मतलब देखिए आप, कि अगर आपको मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल में रखना है, दिया है, तो ए को सेंटीमीटर में बदलोगे। पिकोमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो इनटू लगा देंगे अपने। आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया है तो मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई में रख देते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान ये रखना है कि इकाई कोष्टिका, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे एन का मान कितना होगा, तो एससीसी के लिए एन का मान कितना होगा। अब ये विकर्ण कितना होता है एससीसी में, एक। बीसीसी या फिर हम बोल देते हैं ईसीसी, इसमें अवयवीकरण होते हैं दो। एफसीसी या सीसीपी के अंदर अवयवीकरण होते हैं चार। एचसीपी के अंदर आपको अभी बताया मैंने अवयवीकरण होते हैं छह। एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, अगर आपको पूछे कि इकाई कोष्टिका का प्रकार बताइए, इकाई कोष्टिका का प्रकार, या आपको पूछ ले कि प्रकार या फिर क्या बताइए, प्रकृति, तो आप किस चीज़ को कैलकुलेट करोगे, एन की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपसे। एक तो ज़्यादातर आपको इकाई कोष्टिका का प्रकार या प्रकृति पूछते हैं, दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछते हैं, मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करना पूछते हैं। तो वो आप इनका पक्षांतरण करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको फॉर्मूला केवल ये एक ही याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए कोई इकाई कोष्टिका है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद में आपके पास कोई बुक होगी, उसके अंदर न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, आपके पास किसी भी तरीके के नोट्स हैं या फिर उसके अंदर न्यूमेरिकल है, तो उनको सोल्व करने की कोशिश करना। मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ कैसे करना है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एक एजी से बनी, या मैं बोल देता हूं सिल्वर से बनी सीसीपी संरचना में, संरचना के किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जिसका घनत्व ज्ञात कीजिए,
इसका घनत्व है ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके अंदर आपको Ag का मोलर द्रव्यमान दिया है, मोलर द्रव्यमान Ag का मोलर द्रव्यमान 107.9 ग्राम पर मोल दिया। ठीक है, अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करोगे तो गौर करना कि सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, Ag से बनी CCP संरचना। अब CCP संरचना ने हमें किसकी वैल्यू को बता दिया, N की वैल्यू को बता दिया, और N की वैल्यू CCP के लिए कितनी होती है, 4 होती है। किनारे की लंबाई A इज इक्वल टू 408.6 पिकोमीटर है। आप इसको यहीं पे रोकिए एक बार। मोलर द्रव्यमान देखिए किस में दिया है, ग्राम पर मोल में। पहले मैं मोलर द्रव्यमान को लिखता हूँ, M इज इक्वल टू 107.9 ग्राम पर मोल, ये हो गया। ठीक है, अब ये ग्राम पर मोल में है, देखिए मैंने यहां पे एक लाइन लिखी है कि मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल में हो, यहां पे देखो मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल में हो तो A को किस में लोगे, सेंटीमीटर में लेंगे, और दिए किस में है इकाई, पिकोमीटर में, और पिकोमीटर में दिए तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो इंटू टेन की पावर माइनस टेन, ये हो गया सेंटीमीटर के अंदर। सेंटीमीटर के अंदर आ गई ये चीजें। अब देखिए अपने पास Na को कैलकुलेट क्वेश्चन के अंदर देना कोई जरूरी नहीं है, 6.022 इंटू टेन की पावर 23, और D आपको कैलकुलेट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फॉर्मूला आपके पास ये है, इस फॉर्मूले को एग्जैक्ट याद कर लेना। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से सोल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगली क्लास के लिए जो तैयार करना है वो क्या करना है कि आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोने पर जो पार्ट होता है वो होता है 1/8 जब घनीय संरचना हो तो, घनीय या फिर कोई घनाभ जैसी संरचना हो तो, केंद्र हो तो उसमें एक होता है, फलक होता है 1/2, और किनारा होता है 1/4। एक तो आपको ये बात रखनी है, और जब षटकोणीय संरचना होती है, षटकोणीय जैसे मैंने HCP के अंदर बताया, तो उसके कोने पर जो परमाणु होगा वो 1/6 पार्ट होगा उसका। एक तो चीज ये याद रखनी है आपको, एग्जैक्ट है। दूसरी चीज कि किसी भी इकाई कोष्ठिका में यदि अवयवी कण कितने हैं, n, तो उसमें जो अष्टफलकीय रिक्तियां वो भी कितनी होगी n होगी, और चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी, ये होगी 2n, और कुल रिक्तियां कितनी हो जाएगी 3n। कुल रिक्तियां कितनी हो जाएगी 3n। आप आज की क्लास में केवल इतना ही ध्यान रखना कि इकाई कोष्ठिका का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, HCP कैसे बनाते हैं, CCP कैसे बनाते हैं, और इकाई कोष्ठिका का घनत्व के अंदर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, और बुक में दिए हुए क्वेश्चन है वो भी सोल्व करने हैं। ठीक है, और इन बातों को एग्जैक्ट अपनी कॉपी में उतार लेना और ये न्यूमेरिकल करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इतनी बातें एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, उसके बाद में अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बढ़िया। ये